हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। टुडे आई एम हियर विद एन अमेजिंग ट्रिक। द नेम ऑफ ट्रिक इज ट्रिक फॉर सेवन क्रिस्टल सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं क्रिस्टल तंत्र, सात क्रिस्टल तंत्र। तो उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ब्रेवीज ने दी थी। तो टोटल इसमें 14 है, 14 ब्रेवीज लेटिस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेवन क्रिस्टल सिस्टम है, इसको याद करने की ट्रिक। तो इसको मैं तीन ट्रिक आपको बताऊंगी, तीनों में से जो भी इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। आई विल टेल यू थ्री इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू लर्न द सेवन क्रिस्टल सिस्टम, यू कैन लर्न एनीवन। तो दोस्त हैं वो आपस में बोल रहे हैं, क्यूटी, एक का नाम क्यूटी है। क्यूटी तुम और मैं तो हंसते रहेंगे, क्यूटी तुम और मैं तो हंसते रहेंगे। क्यूटी सी क्यूबिक, तुम टेट्रागोनल, और को ओ आर वाला और लिखेंगे, और फॉर ऑर्थोरोम्बिक, मैं मोनोक्लिनिक, तो टी ट्राइक्लिनिक, हस्ते हो हेक्सागोनल, और रहेंगे आर एच रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट ट्रिक है सीटी ऑफिस में तुम हस्ते रहोगे, सी क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, मैं मोनोक्लिनिक, तुम ट्राइक्लिनिक, हस्ते एच हेक्सागोनल, और रहोगे आर एच रोम्बोहेड्रल। और लास्ट ट्रिक है इंग्लिश में क्यूट टॉम, टी ओ एम टॉम, क्यूट टॉम टॉकिंग, यहां पर मैंने हटाया हुआ है टू हर राइनो, ये मैंने सर्कल किया हुआ है टू, ये इंग्लिश लाइन है क्यूट टॉम, ये डॉगी है क्यूट टॉम टॉकिंग टू हर राइनो, उसका फ्रेंड है राइनो, उससे बात कर रहा है। तो क्यूट सी क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक, एच फॉर हेक्सागोनल, और आर फॉर आर एच फॉर रोम्बोहेड्रल। सेवन क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करने की, सीरियल में लर्न करने की हमने ट्रिक पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बारे में। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा कलरफुल आपको डायग्राम दिख रहा है, ये ट्रिक है हमारी जिससे हम लर्न करेंगे। देखिए हमने ट्रिक तो याद कर ली, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इनको सीरियल में याद करने की ट्रिक तो हमें पता करनी, लेकिन ये सेवन क्रिस्टल हैं। अब इन सेवन क्रिस्टल को डिवाइड किन बेस पर किया गया है? तो ब्रेवीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये क्रिस्टल सिस्टम जो सेवन बनाए हैं किस बेस पर बनाए हैं? दो चीजों पर, एक है एक्सियल लेंथ, एक है एक्सियल एंगल। जो ब्रेवीज ने सेवन क्रिस्टल सिस्टम बनाए थे उन्हें क्रिस्टल सिस्टम सेवन टाइप के जो कैटेगराइजेशन किया था वो कैसे किया था? दो बेसिस लिए थे, दो आधार लिए थे, एक है एक्सियल लेंथ अक्षीय लंबाई जिसे एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा लिया था एक्सियल एंगल जिसे अक्षीय कोण कहते हैं, जिसे अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा इसमें हम एक थ्री डायग्राम बना के बता रही हूं आपको, देखिएगा ये है लेंथ, ये है सेंटर पॉइंट, यहां से ये है ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको हमने इसकी लेंथ मान ली बी, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, एक्सियल लेंथ ए बी सी। देखिए अब ए के ये बहुत इजी है, अब हमें कोण बताने एक्सियल एंगल। तो ये जो ए दिख रहा है एक्सियल लेंथ ए, ए के सामने जो एंगल होगा याद करने के लिए आसान है अल्फा, ए के सामने जो होगा वो होगा अल्फा एंगल। ऐसे ही इस बी के सामने जो एंगल होगा, इस बी एक्सियल लेंथ के सामने जो एंगल होगा इसको कहेंगे बीटा एंगल, ठीक है, और इस सी के सामने जो एंगल होगा, ये वाला सी के सामने यही दिख रहा है जो एंगल होगा इसको कहेंगे गामा एंगल। इजी है। अब मूव करते हैं कलरफुल डायग्राम में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबिक से, तो बहुत ही आसान है याद करना क्यूबिक में। क्यूबिक में आपको क्या करना है, ए बी सी, तो लिख दिया ए बराबर बी बराबर सी, तो सेम इस साइड भी यही लिखना है ए बराबर बी बराबर सी। अब आए नेक्स्ट में टेट्रागोनल में, ये दो कर दी, ये जैसा किया है वही ये भी कर, तो क्यूबिक और लास्ट जो होगा रोम्बोहेड्रल, इन दोनों की एक्सियल लेंथ सेम रहेगी। आप टेट्रागोनल में मूव करते हैं, यहां भी आपने लिखा ए बराबर बी बराबर सी, अब इसमें कीजिएगा एक लास्ट सी वाले को नॉट इक्वल टू, मतलब ए और बी तो इक्वल हैं लेकिन ये सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो टेट्रागोनल में करोगे वो जस्ट इसके बाद वाले में हेक्सागोनल में भी, तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, इसको ऐसे करके वो कर लेते हैं, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन इसमें जैसे ए क्रॉस लगाया था अब इसमें दोनों ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, तो वही चीज इसके जस्ट अपोजिट में भी कर लेंगे, इधर इसके बगल में ए नॉट इक्वल टू बी
मूव कर ले रहे हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब लास्ट बचा ही, ये इन दोनों के जैसा ही होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये हो गया ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये तीनों सेम होंगे, इजी है। पहला तो आपको याद हो गया होगा, क्यूबिक रोम्बोहेड्रल सेम, ट्राइगोनल हेक्सागोनल सेम, ऑर्थोरोम्बिक ट्राइक्लिनिक सेम, और मोनोक्लिनिक भी इन दोनों की तरह है। ये होगी एक्सियल लेंथ, आपको समझ में आ गया, तीन सबकी अलग अलग दिखती है, सबकी जैसी भी दिख रही है मैंने शो कर दिया। अब करेंगे एक्सियल एंगल, ये एक्सियल लेंथ लिखी है, अब लिखेंगे एक्सियल एंगल, इसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है इसका। देखिए अब आते हैं क्यूबिक से शुरू करते हैं, तब अब जो पढ़ेंगे वो ऐसे चलेंगे एंटीक्लॉकवाइज। क्यूबिक पहले कैसे चल रही थी, एक्सियल लेंथ में दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेंगे, अब चलेंगे क्यूबिक अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे यहां भी होगा टेट्रागोनल में, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीन एक से होंगे, क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये थ्री सेम होंगे। क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक की एंगल जो होते हैं वो आपको जो दिखाई दे रहा है वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। अब हुआ क्या, अभी तक तो इनके बीच दोस्ती थी, एक से थे, अब तीन दिन तो इनके बीच ठीक रहा, इसे समझिए, एक दो तीन दिन इनके बीच ठीक रहा, चौथे दिन इनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने कहा हम 90 डिग्री नहीं रहेंगे, बेटा नाराज हो गया, तो माँ और जो पिताजी थे वो तो ठीक थे, उन्होंने कहा हम 90 डिग्री में ही रहेंगे, लेकिन बेटा नाराज हो गया, बेटा अलग हो गया, उसने कहा मैं 90 डिग्री नहीं रहूंगा, 90 डिग्री नहीं रहूंगा। माता और पिता तो 90 डिग्री रहे और इक्वल भी रहे, लेकिन बेटा नाराज हो गया, उसने कहा मैं 90 डिग्री नहीं रहूंगा। फिर क्या हुआ, तो हुआ क्या, देखिए जब यहां पर बेटा नाराज हो गया था तो इन तीनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा इस 90 डिग्री की वजह से हमारे बीच झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ये आपस में भी झगड़ गए, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में झगड़ गए, तो नॉट इक्वल टू, और ये 90 के साथ भी झगड़ गए, तो हो गया अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, आपस में भी झगड़े, नॉट 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 इक्वल टू और 90 से भी झगड़े, तो नॉट इक्वल टू सारे के सारे। अब देखिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में क्या होगा, यहाँ तीनों आपस में नाराज हो गए थे 90 डिग्री से भी, बाद में क्या हुआ, जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो ये मम्मी और ये बेटा तो मिल गए, बराबर भी हो गया, उन्होंने कहा 90 डिग्री के साथ भी मिलके रहेंगे, लेकिन ये जो पिता थे इनको आ गया गुस्सा, तो इनका बीपी बढ़ गया, तो देखिए कितना हो गया 120 डिग्री, तो ऐसे याद रखें। और लास्ट में जब तीनों ने एक दूसरे को समझाया तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो मिलके रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा हम लोग, देखो इनके बीच हो रहा था झगड़ा, तो इन्होंने कहा हम तो मिलके रहेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा ये झगड़ा 90 डिग्री के लिए हो रहा है, इसलिए हम 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मतलब तीनों इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये भी हमने देख लिया है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों एक से थे, तीन दिन एक से रहे, चौथे में क्या हुआ, बीटा जो था बेटा ये 90 डिग्री के अगेंस्ट हो गया, तो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, अल्फा बीटा गामा तीनों झगड़ गए नॉट इक्वल टू और 90 डिग्री से भी, तो तीनों के तीनों 4 के 4 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। और लास्ट में क्या हुआ, इसका बीपी बढ़ गया, तो अल्फा बीटा तो 90 डिग्री तीनों इक्वल हो गए, लेकिन गामा का जो है वो है एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और एटलीस्ट अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो गए, और लेकिन ये 90 डिग्री को अलग कर दिया नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब है कि क्यूबिक के जो है क्यूबिक कितने शेप में रहता है, कितने स्ट्रक्चर्स में रहता है, तो क्यूबिक जो है वो थ्री स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। एक होता है प्रिमिटिव, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, पी लिख देते हैं प्रिमिटिव, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड, मतलब क्यूबिक जो है वो उस वो कौन सा पैटर्न पाया जाता है उसमें, प्रिमिटिव के रूप में भी मिलेगा, इसके बॉडी सेंटर्ड में भी होगा और फेस सेंटर्ड में भी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टेट्रागोनल जो होता है वो दो स्ट्रक्चर्स में रहता है, एक तो प्रिमिटिव रूप में मिलेगा मतलब कॉर्नर्स में एटम मिलेंगे, इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड पे भी मिलता है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं टेट्रागोनल। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक, ये फोर लेटिसेस, इसके फोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से, ये है प्रिमिटिव मतलब
सिंपल क्यूबिक, सिंपल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, मतलब इसके एटम्स जो होते हैं इस तरीके से व्यवस्थित रहेंगे, तो फोर टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, ये टू स्ट्रक्चर्स इसमें रहते हैं, एक तो इसमें रहता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है एंड सेंटर्ड, मतलब ये दो स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। अब है ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, तो ये क्या होता है तीनों के एक एक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस, तो ये तीनों जो है ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और प्रिमिटिव रूप में पाए जाते हैं। तो टोटल देखिए 3, 2, 4, 2, 1, 1, 1, ये टोटल होगी 14, तो ये 14 स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं, 14 ब्रेविस लेटिस इनको कहा जाता है। तो ये ट्रिक्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।